देखिए दोस्तों, हमने ग्वारफली की सब्जी बनाई है और वो भी नेचुरल मसाले से। ये बहुत ही टेस्टी है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, प्रोटीन मिलता है। आप एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। आप बार बार इसी विधि से बना के खाएंगे। मैं नेचुरल मसाले से सब्जी तैयार की हूँ, तो मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं, किस तरीके से बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चंद्रा किचन डिशेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार फली की सब्जी। ये बहुत बहुत ही टेस्टी। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने छील लिया है, ये देखिए इस तरह से निकाल लिए हैं बिल्कुल। और मैं वीडियो अपने हाथ से बना रही हूँ इसलिए नहीं दिखा पाई। इसके जो यहाँ रहता है ये वाले और ये वाले छील के इस तरह से निकाल दिए हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा कैमरा में आपको। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। और क्या क्या मसाले ली हूँ ये भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम ग्वाल फली को धो रहे हैं, दो पानी से धोएंगे हम। मैं धो लेती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। देखिए हम गैस चला के कढ़ाई रख दिए हैं और दो पानी से हम ग्वाल फली को धो लिए हैं। ग्वाल फली डाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम इतना आलू है ये भी डाल देंगे। अगर वीडियो बनाने में मुझसे कोई गलती हो रही हो तो माफ़ करिएगा, मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ और वो भी मोबाइल से। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसे ढक्कन लगा के रख देंगे उबलने के लिए और जब तक ये उबल रहा है तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए हम मसाला ले रहे हैं, गरम मसाला आधा चम्मच, सरसों आधा चम्मच, धनिया खड़ा एक चम्मच, तीन हरा मिर्च, प्याज तीन और लहसुन, अदरक का टुकड़ा, इन सबको हम पीस लेते हैं। तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ तड़के लगाने के लिए मैंने एक बरी ले ली हूँ, इसको तोड़ के दो टुकड़े कर दिया है। जीरा, हींग, कड़ी पत्ता सभी को डाल देंगे। अब ये पीसे हुए जो मसाले हैं उसमें मैंने हल्दी डाल दी हूँ और ये मसाले डाल देंगे। आलू को छील लिए हैं, छील के अब इसे काटेंगे। छोटे छोटे आलू हैं तो इसे चार भाग कर ले रही हूँ। गैस जला के कढ़ाई रख दिए हैं। अब यहाँ हम डाल दे रहे हैं सरसों का तेल, दो परई सरसों का तेल डाली हूँ। अब अच्छे से चलाएंगे। आप लाल मिर्च खाते हैं तो डाल सकते हैं और कश्मीरी मिर्च मैं कोई भी चीज़ नहीं डाल रही हूँ, ना कश्मीरी मिर्च और ना लाल मिर्च डाल रही हूँ। देखिए कैमरे में दिखाई दे रहा होगा मसाले तेल छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी और इसे डाल के बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इससे मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया है टमाटर डाल देने से। अब मैं बिल्कुल नेचुरल मसाले में सब्जी बना रही हूँ, आप भी बनाइएगा कभी, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। क्या आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं? अच्छा कर लीजिए जल्दी से प्लीज। मसाला एकदम सही से भून गया है। अब इस समय हम डाल देंगे ग्वार फली और आलू को।
अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। मसाले के पानी को डाल रहे हैं। अगर आप सूखा ही खाना चाहते हैं तो इस तरह से ढक के स्लो आंच पे आप पकाइए 5 मिनट तक। एकदम स्लो गैस कर दीजिए, 5 मिनट तक पका के ऐसे सूखे ही खा सकते हैं। मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो थोड़ा सा तरी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाली हूँ। ऐसे खुले में ही पकने देंगे। देखिए तेल छोड़ दिया है, सब्जी कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, बस इतना ही मुझे चाहिए इस तरह से। और अब गैस को बंद कर देंगे और आप सबको परोस के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने खाना आप सबके लिए परोस दिया है और ग्वार फली की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइएगा इस तरीके से। इसमें मैंने नेचुरल मसाले से बनाया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन सब प्रचुर मात्रा में होता है। एक बाइट दोस्तों आप सबके लिए। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। ते हैं अगले रेसिपी के संग, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।